तो फिर आ चुके हैं नए वीडियो के साथ, फिर से आज आ चुके हैं गेम के साथ। तो आज भी डुओ खेलने का ज़्यादा है, तो डुओ खेलने आ गया। तो क्या हुआ, एक बांग्लादेश का फ्रेंड है जो कि इनवाइट भेज रहा था, बोल रहा था भाई आज मेरा साथ जाएगा एक राउंड वो खेल लो। तो मैंने खेल लिया। चलो अब क्या हुआ, देखो इस जगह पे उठते हैं, देखो सामने मेरे लैंडिंग थोड़ा स्लो हो जाता है, और देखो गाड़ी में बैठ जाता हूँ मैं, बोलता हूँ गाड़ी बैठ जाओ, और स्लो लैंडिंग की वजह से लूट नहीं होता है सही तरीके से, और सामने एक एनिमी ऑफलाइन या फिर क्या पता चलता है मालूम नहीं है, मगर मैं अपने बंदे को बोलता हूँ भाई जल्दी में गाड़ी में बैठो। जैसे ही गाड़ी में बैठा था वो सो जाता था, थोड़ा वाटर सिटी के जाने की तरफ, मगर मेरे बंदे ने बोला भाई उधर एक बंदा है जो कि भाग नहीं रहा शायद उसका नेट प्रॉब्लम है, तो उसे तो गाड़ी नॉक कर देता हूँ। अब देखो जैसे ही नॉक कर दिया उससे भागने लगा कि मर जाएगा, सामने से एक बॉक्स आता है, तो मेरा नेट की दिक्कत से गायब हो गया, एकदम से गायब हो गया, मतलब इतना गंदा नेट चल रहा था क्या बताऊँ। ऊपर से एक बॉट आया, इसे भी नॉक कर देता हूँ। नॉक करने के बाद जो मेरा टीममेट है उसको बोला भाई तू लूट, जो बॉट के पास लूट है कि नहीं उसे ले ले। सो मेरा टीममेट जा भी है, और देखो मैं आगे जाके जो नॉक किया था एनिमी को उसे मैं किल करता हूँ, मुझे एक एम मिलता है। बुलेट ले ली। अब मेरे टीम मेट को बोला भाई जल्दी मेरी गाड़ी गई है क्योंकि गन चाहिए मुझे, मेरा गन नहीं है, और बोल रहा था भाई मेरा गन ले, तू मेरा गन ले लो, आप मेरा गन ले लो। मैंने बोला कोई बात नहीं, तू गन रख ले, चल मैं ड्राइविंग करता हूँ, तू बैठ जा। मैंने कुछ नो वो तो बैठ गया, तो मैंने बोला चल भाई रेस्ट करते मारते। मैंने बोला रुक जा ठहर जा, गन लेने दे, कुछ भी गन मिलेगा तो रेस्ट करने चला जाऊँगा, और होता भी ऐसा। देखो इसे मैं गाड़ी रोकते बस इतने से भाई चढ़ नहीं पाता हूँ, बार बार कोशिश करता हूँ, इतना नहीं गंदा चल रहा था भाई। देखो भेस मिला लेवल 1 का, कोल्ड ड्रिंक्स भी मिल गया, और आ जाके एक एम भी मिला, और UP9 मिला, उजी मिला, शॉटगन का सोच करके उजी ले लूँगा। अब देखो क्या होगा, टीममेट कह रहे चलो 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 मारना मारना है। मैंने बोला चल यार मेरे पास तो हेलमेट नहीं है, चल जो भी देखा जाएगा। तो मैं टीममेट को कहता हूँ भाई रेजोन है तो गाड़ी छोड़ दे, तो गाड़ी छोड़ दे, तो उसने बोला नहीं भाई गाड़ी में बैठो। मैं बोला मैं गाड़ी में हरगिज़ नहीं बैठूंगा क्योंकि मेरे साथ कई बार मौत खेल हो चुका है, पब वालों ने ऐसे मौत खेल खिलाया भाई, लास्ट जोन में रेड जोन से मरवा देता है साला, क्या बताओ। तब भी देखो मेरा जो टीममेट सामने बंदे घर में फाइट चल रहा था, तभी देखो रेज गिरा और ड्राम नॉक। मैंने बोला भाई गाड़ी मत ले, गाड़ी मत ले, मेरा बात सुना ही नहीं तो नॉक हो गया। देखो मैं स्मोक करके रिवाइव तो कर देता हूँ, अगेन नॉक हो जाए आगे जाके, रिवाइव करने का मैंने बोला भाई फिर अपने रस करने के लिए मत जा, तो वो तो रस करने के लिए चला गया। अब देखो क्या होता है, देखो एम एस सी जो है वो खराब हो चुका है क्योंकि लैग करा था, तो एम एस एस तो बहुत बेकार है, तो इसे तो मार देता हूँ, मार के बाद रिवाइव भी कर देता मेरे टीममेट को। भाई आप लोगों के साउंड क्यों नहीं आ रहा है भाई, जब भी मैं माइक ऑन करता हूँ भाई साउंड का इतने गायब हो जाता है, तो मुझे बोलना पड़ रहा है आज क्या बताऊँ यार, इधर लूट मूट कर लेता हूँ, आगे जाके गर्सिन होता है मेरे साथ। देखो बल्कि मैं एम फॉर लेने की कोशिश भी करता हूँ, मगर सोचता हूँ एम नहीं लूँगा, पूरा गेम प्ले में एक एम में ही चलाऊँगा, और हो सके तो मैं उजी चलाऊँगा, मगर एम फॉर नहीं लूँगा कभी भी, मतलब पूरा गेम प्ले एक एम पे भरोसा है, लॉन्ग रेंज क्लोज रेंज सब कुछ एक एम भरोसा है। तो देखो आप ऊपर से इतना गंदा भी लग कर रहा था, पिंकी भी हाई। मैं टीममेट को बोला भाई मेरे साथ ही रहे हो क्योंकि मेरा जो पिंक है बहुत ही हाई है, तो मेरा साथ साथ रहे हो, अगर नॉक हो गया तो रिवाइव करने के लिए आ रही हो। फिक्र से चल भी नहीं रहा था इसलिए क्राउच होकर चल रहा हूँ।
अब जोन भी शुरू होता है, सामने एक बग्गी होता है, मैं टीम को बोलता है भाई तू आगे कल मैं बग्गी लेके आता हूँ, तभी एक बहुत आता है बहुत को मारने की कोशिश करते हैं मैं टीम में मगर मैं मार देता हूँ, उसके बाद बग्गी में चढ़ के नहीं यहाँ से निकल नहीं निकल जाता हूँ अपने टीम को लेकर। अब आगे देखो कहते हैं एकदम क्या करो यार बकचोदी करी एग्जिट मार दी, रेड जोन सामने है, मैंने बोला भाई रेड जोन सामने एग्जिट मत कर, और तो भी देखो मेरे टीम में नॉक हो गया, मतलब इतना गंदा गाली देने मन कर रहा था भाई वो गाली भी नहीं दे पाया क्योंकि फ्रेंड है, फ्रेंड को गाली ना बहुत बुरी चीज़ है भाई, रैंडम प्लेयर हो तो एक दो बोलता मगर फ्रेंड है, मैंने बोला चल और एग्जिट मत करना पहले बैठ जा, तो मैं बैठा लिया, सामने फाइट हो रहा था और रेड जोन भी है देखो आप, मैं नॉक करने की कोशिश करता हूँ मगर बग्गी से चढ़ा के मगर नहीं होता है, और आगे जाके बग्गी रुकता है तो भाई 2 किलोमीटर बाद में जाके बग्गी रोकता है देखो आप, बस एक क्लच देखो तो सामने बंदा चढ़ने की कोशिश नहीं हुआ, अब देखो 2 किलोमीटर भाग गया बग्गी रुका ही नहीं, इतना गंदा नेट कटा था, मैंने टीम मेट को बोला भाई बग छोड़ दो मेरे पास आता था जल्दी, अब देखो मैंने एक एम ए 3x लगा दी, अब स्प्रे देखो बीच में कॉल गया उसे तो मैं ढक देता हूँ, मैंने एक बंदे को शायद नॉक कर दिया था ध्यान से देखा नहीं, टीम मेट को बोलता हूँ भाई चल प्लस करते हैं तो देखो क्या होता है, मैं कोई अवॉइड करता हूँ और सामने जाके मैं हॉल भी लगा लाऊँ तो उस चीज करा देता हूँ, और सामने जाके एक बंदा दिखाए जो कि आप देख रहे हो, मैं गेट करने की कोशिश करता हूँ उतनी देर में भाई रिजल्ट हो जाता है, देखो प्लस देखो अगेन कॉल देखो और मैं जो मेट हो वो भी नॉक हो जाता है, अब इसको मारना तो बहुत ही आसान था, अब यहां से रिवाइव करके निकल जाता हूँ, मतलब पूरा गेम पे मैं ऐसा होता है भाई क्या बताऊँ यार, गाड़ी लो या बग्गी लो या कुछ भी डासिया कुछ भी लो लूट करो और निकलो, बंदा कहाँ है ये तो पता नहीं है, हाँ मगर उतरा कहाँ से हूँ मगर क्या बताऊँ यार, M4 मिल गया, M4 को छोड़ दिया मैंने, M4 नहीं लिया उजी ले लिया, मैंने सोचा भाई क्लोज में चला लूँगा एक ये तो बहुत अच्छा कम्बिनेशन है तो जो भी होगा देखा जाएगा लास्ट में, और देखो यहाँ तक तो मेरा 6 किल हो गया था, आगे जाके देखो कितना किल होता है, मैं तो भाई मुझे ड्राइविंग दे क्योंकि ड्राइविंग पे मैं किसी को भरोसा नहीं करता हूँ, इससे पहले जो मेरी टीममेट बहुत ही गंदा ड्राइविंग करता था तो पता नहीं कैसे ड्राइविंग कर, तो कहता ना चल कर ले, सो यहाँ से निकल नहीं वाला था भाई, अब देखो जस्ट ड्राइविंग देखो, मैंने बोला भाई सामने बंदा है तो आगे जाके रोक देना, तो मेरा बात सुन भी लेता है आगे जाके रोक भी दिया, मैंने बोला रुक 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 और रोक दिया, अब देखो इधर देखो मतलब बंदा ढूंढ ढूंढ के मारना पड़ता था भाई, यही पे लास्ट होता है और लास्ट ऐसा होता है भाई देख लो आप हर तरफ बंदा, हम लोग मैं जो टीममेट और मैं जो था वो एकदम बीच में फंस गया, अब इस पर देखो मेरे टीममेट ने एक को नॉक किया, मैंने एक को खत्म किया, मैं टीममेट को बोला भाई रिपोर्ट करने की कोशिश कर कितना बंदा है,
मगर मैं इसको कर लेता हूँ। उस घर में जो दिख रहा है, इस जो गाड़ी खड़ा है उसमें दो बंदे, तो मैंने बोला भाई नीचे से जा और मैं ऐसे कवर देने की कोशिश करता हूँ, हो सके तो मैं आ जाऊँगा तरी चली, और हो गया था। देखो अब क्या होता है भाई, बंदे शॉर्ट चला रहा था, S12 चला रहा था, मतलब सोच लो भाई क्लोज रेंज S12, मतलब दो लग गया तो सीधा नॉक। मतलब पूरा गेम प्ले एक एम पे भरोसा था मेरा, बस मुस्त कर लिया। अब देखो अभी इतना गंदा नहीं चल रहा था, क्या बताऊं यार, देख लो सिर्फ अगेन प्रोन हो गया कि स्नेक बन के बैठा था। मेरा टीममेट बोल रहा था भाई उधर स्नेक बन के बैठा है, और भाई सांपों का डेरा में जाना, मतलब मौत के डेरा में जाना, पता नहीं साला कहाँ सांप बन बैठे हैं। ग्रेनेड करता हूँ मगर ग्रेनेड में कुछ काम नहीं करता, मेरा टीममेट जो होता है उसे नॉक कर देता है। अब देखो चार बुलेट कनेक्ट हुए और किल, लास्ट बंदा था पीछे की तरफ था, जो पीछे बिड़ा हो से उसी अंदर से मार रहा था, वो देखो जो ड्रॉप है ड्रॉप के पास। टीममेट को बोला भाई बेड़ा के पास है तो उसे मारने की कोशिश कर, क्योंकि मेरा तो बहुत गंदा नेट चल रहा है, बट नॉक मत होना, उसके पास AW हो सकता है, थोड़ा संभल के खेलना, तो मेरा सुन भी लेता है। अब देखो गेम प्ले जीतना या हारना ये अच्छा बात नहीं है, क्योंकि किसको पता नहीं गेम प्ले जीतोगी या हारोगी। अगर टीममेट आपका बात सुनेगी, आपका हर मोमेंट साथ देगी, हर मोमेंट की खबर लेगा भाई ये करो वो करो, तो भाई क्या बताऊँ, गेम प्ले आपका हो सकता है भाई, गेम प्ले आप चिकन कभी भी सकते हो आप, अगर आपका टीममेट साथ दे दिया तो। मैंने तो सोच लिया था मेरे टीममेट को एक भी किल नहीं दूंगा, मगर उसने एक किल कर लिया था और लास्ट बंदे को किप करके दो किल हो गया था उसका। अब देखो जो बंदा था वो जोन के बाहर, अब देखो जोन तो हमारे साथ है, उसे जोन के बाहर होगा। मतलब इतना लैग कर रहा था, इतना पिंग हाई है, उसके साथ भी चिकना हो जाता है। इसके साथ तो होप अगर गेम प्ले अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, सबको एक साथ करो यार। और कौन सी मोमेंट आपको अच्छा लगा तो वो कमेंट में जरूर बता, कौन सी मोमेंट आपको अच्छा लगा, कौन सी कुछ अच्छा लगा। सो तब तक के लिए बाय।